इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है या किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। सच कहते हैं, इंसान की कद्र उसकी मौत के बाद होती है। छाया और छाया का प्यार मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। जब तक वो जिंदा थी, मैं उसके प्यार को, उसकी दीवानगी को ना समझ सका, और जब मैंने समझा तब तक देर हो चुकी थी, बहुत देर। छाया, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता, वो आज भी मेरी सांसों में बसती है। कुछ लोग कहते हैं मौत बड़ी खौफनाक चीज है, वहीं कुछ कहते हैं मौत से ज्यादा खूबसूरत भी कुछ नहीं, क्योंकि जो भी मौत से गले मिलता है कमबख्त इस जिंदगी को छोड़ जाता है। लेकिन छाया सबसे अलग थी, सबसे जुदा। वो मौत से गले तो मिली, लेकिन जिंदगी जीने की ख्वाहिश ना छोड़ पाई। मोहब्बत है ही ऐसी चीज, जिंदगी और मौत से परे है। एक बार किसी को मोहब्बत हो जाए तो वो भगवान से लड़ने को भी तैयार हो जाता है। छाया ऐसी ही थी। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए भगवान तक से लड़ बैठी। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम परिमल घोष है। नाम से ही समझ गए होंगे, बंगाली हूं और मैं एक इंग्लिश ऑथर हूं। मेरी उम्र 30 वर्ष है। साधारण बंगाली के मुकाबले में ज्यादा हैंडसम हूं। बंगाल में मेरी तुलना वहां के सुपरस्टार प्रसन्नजीत से की जाती है, और तुलना गलत भी नहीं है। मैं यंग एज के प्रसन्नजीत की तरह हैंडसम हूं। लड़कियों की बिरादरी में हमेशा ही मेरा जलवा कमाल रहा है। सबसे बड़ी बात, मेरे लिखे 5 नॉवेल अभी तक पब्लिश हो चुके हैं और सब के सब बेस्ट सेलर रहे। खास तौर पर यूरोपियन फिक्शन मार्केट में उन्होंने सफलता के बड़े झंडे गाड़े। मेरे लास्ट नॉवेल को ब्रिटेन के बेहद प्रतिष्ठित लिटरेरी बुकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैं लव स्टोरीज लिखता हूँ। मेरे रीडर मेरी तरह यंग है, अर्बन है, भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखते, और मैं खुद भी ऐसा ही हूं। ऐसी पुरातन अंधविश्वासी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। भला आत्माएं भी गई होती है? लेकिन कहते हैं ये दुनिया अपने आप में सबसे बड़ी पाठशाला है। इंसान का बच्चा किताबों से इतना ज्ञान हासिल नहीं करता जितना ज्ञान उसे वक्त की ठोकरें खाकर हासिल होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। सिर्फ प्रेम कहानी ही नहीं, इसमें थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है और डर भी है। जी हाँ, डर, क्योंकि ये एक आत्मा की कहानी है। और यकीन मानिए, इस कहानी में ट्विस्ट टर्न तो इतने हैं जो आपको कदम कदम पर चौंका कर रख देंगे। मैं बात अपनी कर रहा था। मेरा होम टाउन कोलकाता है। वहां के मशहूर गोल मार्केट के पास ही मेरा घर था। छाया भी वहीं की थी। छाया तो कमाल खूबसूरत थी, एकदम गोरी चिट्टी और लंबा कद। वो ऐसी बंगालन लड़की थी जो किसी के ऊपर भी जादू कर दे। वो सच में बंगाल की जादूगरनी थी, जो किसी के ऊपर भी जादू कर दे। वो सच में बंगाल की जादूगरनी थी। और सबसे बड़ी बात, वो संस्कारों से भरी थी। बंगाली रीति रिवाजों से तो वो खूब प्यार करती थी। छाया कॉलेज में एंटर होती तो सारे लड़के आहें भरने लगते। न जाने वो कितने लड़कों की ड्रीम गर्ल थी, पर वो फिदा मेरे ऊपर हुई। दिल उसने मुझे दिया। कॉलेज में हम दोनों की मुलाकात की वजह भी कहानी ही बनी थी। कॉलेज के एनुअल एडिशन में मेरी एक लव स्टोरी पब्लिश हुई थी, जिसे पढ़कर छाया दीवानी हो उठी। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय लाइब्रेरी में था जब छाया मेरे पास आई और उसने दिल खोलकर मेरी कहानी की तारीफ की। ओ माय गॉड, वो पागलों की तरह बोली। ओ माय गॉड,
उसने सच्चे दिल से वो शब्द कहे। क्या कहानी लिखी है तुमने? तुम तो जैसे कोई जादूगर हो या सरस्वती पुत्र भी कह सकती हूँ। क्या कहानी लिखते हो? पूरा माहौल क्रिएट कर देते हो यार। तुम्हारी कहानी का थॉट, भाषा शैली, कैरेक्टराइजेशन सब बहुत गजब है। लिख लो, एक दिन ना तुम इस देश के महान लेखकों में शुमार होगे, पूरे बंगाल का नाम रोशन करोगे। फिर मैं चुप हो गया। उससे ज्यादा बहस नहीं की जा सकती थी। छाया से मुलाकातों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर बढ़ता चला गया। हम एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहने लगे। फोन पर घंटों घंटों बातें करते रहते थे। ज्यादातर बातें बेसिर पैर की होती, लेकिन हमें एक दूसरे से बातें करना पसंद था। वो मोहब्बत से भरे दिन थे। हमारी नस नस में प्रेम प्रस्फुटित हो चुका था। हम एक दूसरे को देखते तो हमारी आंखें डायमंड की तरह चमक जाती थी। शुरू शुरू में मैं छाया के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर मिलने में भी थोड़ा अनईजी रहता था। तब छाया ने ही एक दिन मुझसे हंसकर कहा, प्यार का मतलब पीआर होता है महाशय, मतलब पब्लिक रिलेशन। जितना खुलकर करोगे उतना लड़की मिलने का चांस ज्यादा होता है। चोरी छुपे करोगे तो लड़की कभी भी प्यार से मुकर जाएगी। छाया की बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। वो तो तुम भी करते हो, मैंने छाया के सामने थोड़ा शर्माते हुए कहा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, सिर्फ कागज के पन्नों पर। बस जिंदगी किस्से कहानियों से नहीं चलती साहेब, थोड़ी मोहब्बत भी करनी पड़ती है, थोड़ी दिल की बातें जबान पर भी लानी पड़ती है। छाया तुरंत बोली, जवाब देने में वो एक्सपर्ट थी। मैं मुस्कुरा दिया। सचमुच प्यार के मामले में उसकी फिलॉसफी अद्भुत थी। अलबत्ता छाया की उन बातों का मेरे ऊपर ये असर हुआ कि फिर हम पब्लिक प्लेस पर भी खुलकर मिलने लगे। फिल्म एक साथ देखने जाते, थिएटर में प्लेस देखते। छाया के साथ जिंदगी पतंग बन गई थी, हवा में उड़ी उड़ी फिर रही थी, जैसे दूर, बहुत दूर, अनंत आसमान को छू लेना चाहती थी। मुझे आज भी अपनी फर्स्ट डेट याद है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।